हाय, गुड मॉर्निंग केजी क्लास। कैसे हैं बेटा आप सभी? वर्क के लिए रेडी हो जाइए बेटा। हिंदी का वर्क करा रहे हैं मैम, देख लीजिए बेटा। सबसे पहले लिखा हुआ है क घ ख ग ण, क्या ये सही क्रम है बेटा? और नीचे देखिए क ख ग घ ण, ये सही क्रम है। तो नीचे वाला सही क्रम है, टिक भी लगा रखा है मैम ने, आप समझ के करें। कुछ इसी टाइप से आएगा बेटा, हो सकता है लाइन्स चेंज हो, चा वाली लाइन हो या टा वाली लाइन हो, बट आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। मुझे पता है बहुत प्यारे हैं आप, कर लेंगे बेटा। आगे हैं, देखो पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये सेब है या कटहल है बेटा? ये कटहल है, तो कटहल पर आप टिक करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये कटहल ही आए, कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे पिक्चर पे। उषे उड़नपरी या उषा? तो उषे उड़नपरी ही होगा, क्योंकि उषा तो ऊन से बनेगा। ये पिक्चर देखो, गाशे गाजर या गासे गज, तो ये गज का पिक्चर है। हाथी का फेस लिया गया है बेटा, तो ये गज है, ठीक है। आप गज पे टिक करेंगे। नीचे है बेटा अमन चक, आगे देखिए ऑप्शन है बेटा, उसी के सामने शहद या महल। तो अमन को क्या चखने के लिए बोला जा रहा है बेटा? शहद, क्योंकि महल चखने की चीज़ नहीं होती है, वो रहने की चीज़ होती है बेटा, और शहद चखने के लिए होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए बेटा, सही पर टिक करें। दादा मामा या नाना नानी, तो सही जोड़ा इनमें से क्या है बेटा? नाना नानी, ठीक है। दादा मामा तो नहीं होते बेटा, होते हैं बट मेरा कहने का मतलब है कि दादा के साथ दादी होती है, मामा के साथ मामी होती है। और आगे देखिए, नाना नानी दोनों परफेक्ट हैं, तो यही हमारा सही जोड़ा है, ठीक है। सब्जी बना, ठीक है। तो आगे ऑप्शन है बेटा, मटर की या सेब की। तो सब्जी सेब की तो नहीं बनेगी, किसकी बेटा? मटर की पे आप टिक करेंगे। आगे है अचार खा, ऑप्शन है आलू का आम का। आलू का अचार नहीं होता है बेटा, आम का होता है, तो हम आम का टिक करेंगे। कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेंटेंस आम का अचार खा, ठीक है। इसी तरह से ऊपर वाला भी देखो, मटर की सब्जी बना, ठीक है। आधा आधा करके इधर उधर किया है ताकि आप थोड़े से कन्फ्यूज हों, लेकिन बड़े समझदार हैं आप, कन्फ्यूज कहाँ होने वाले हैं आप, तो हमें भी कन्फ्यूज कर देंगे। बच्चे देखने गए, लास्ट है बेटा, बच्चे देखने गए क्या? शरबत या सर्कस? तो आप सर्कस पे टिक करेंगे, क्योंकि शरबत देखने के लिए नहीं होता है, शरबत पीने के लिए होता है। देख लीजिए बेटा, शरबत पीने के लिए होता है, सर्कस देखने के लिए होता है, ठीक है। और हाँ, अभी 3-4 दिन पहले जो हिंदी की तैयारी कराई थी ना बेटा, वो भी आपको फिर से वापस उसका रिविज़न करना है। वो और ये आज का मिला के दोनों आपको एक साथ लर्न एंड राइट करना है, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। अगर आपने यही किया खाली, तो कंप्लीट तैयारी नहीं है ये, क्योंकि मैंने अधूरी तैयारी कराई है। आगे उस दिन मैं करा चुकी थी बेटा, 3-4 दिन पहले, ठीक है। अगर आज सारा कराऊंगी तो पीछे का थोड़ी ना आप देखेंगे, इसलिए प्लीज़ बेटा पीछे का भी देखें कि 3-4 दिन पहले मैं हमने हिंदी कराया था तो क्या कराया था उसमें, तो वो भी सारा ले लें बेटा, और ये भी कंप्लीट वर्क ले लें, तब आपका कंप्लीट होगा। अच्छे से तैयारी करें, मम्मा की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप अच्छे से कर पाएंगे, वो तैयारी कर ली होगी, ये फिर से करेंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत प्यारे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, कर लेंगे, ठीक है। क्यों इंटेलिजेंट नहीं? क्योंकि आपके पास आपकी सुपर मम्मा है ना, अच्छे से तैयारी करा रही हैं आपकी सुपर मम्मा, तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से अपना पेपर देंगे, ठीक है। तो अपनी सुपर मम्मा को हराना नहीं है बेटा, सुपर मम्मा को जिताना है। तो अच्छे से तैयारी करना और फुल मार्क्स लेके आना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बेटा, बाय बच्चों, सी यू टुमारो बेटा।